नमस्कार। पूरे देश के किसान आंदोलित, भाजपा के द्वारा लाए गए किसान विरोधी तीनों कानून का विरोध हो रहा है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, जो भारत का लगभग 12 लाख से 15 लाख करोड़ है, उसमें उनका प्रवेश उनकी प्राथमिकता है। और बिना चर्चा के, बिना किसी समर्थन के मोदी जी ने इस तीनों काले कानूनों को लोकसभा में पास करवा दिया, ऑर्डिनेंस लाए, किसानों से चर्चा तक नहीं की। अब जो चर्चा हो रही है, यही चर्चा उस समय कर लिए होते, सेलेक्ट कमेटी बना दी होती और आज भी इस समस्या का निदान करना है मोदी जी, तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप अपना जो अपनी जिद है उसे छोड़िए, अपना अहम और अहंकार को छोड़िए और तत्काल तीनों बिल वापस लीजिए और उसके बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी का गठन करिए और जितने भी किसान संगठन हैं उनके साथ चर्चा करके इसका निराकरण तत्काल करिए, नहीं तो ये तो और बढ़ेगा और ये किसानों के साथ अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल 8 तारीख को भारत बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, वकीलों से, डॉक्टरों से, हर वर्ग के लोगों से, युवाओं से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए और इन तीनों काले कानूनों का विरोध करिए। धन्यवाद। भारत माता की जय। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।